हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। सारा गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। मैं द्रौपदी नंदा, मम्मी सब कर सकती है, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं झाड़ू कैसे लगाते हैं और झाड़ू का क्या नियम है, पुरानी झाड़ू को कहाँ फेंकते हैं, कैसे फेंकते हैं, और नई झाड़ू को किस प्रकार से हमें कब लेना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए, तो चलिए मैं आज झाड़ू के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, जो लोग नए घर में शिफ्ट होते हैं, तो मैं उनके लिए बताती हूँ कि नए घर में अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो अपनी जो पुरानी झाड़ू है, झाड़ू खरेटा जो भी हैं, तो उस पुराने घर से ना ले जाएं, क्योंकि नए घर में जा रहे हैं तो नई चीज़ें ही रखें। और अपनी जो पुरानी झाड़ू है दोस्तों, तो किसी को देना भी नहीं चाहिए कि चलो हम इतने दिन यूज कर लिए और आप इस झाड़ू को यूज करना। तो इस प्रकार से अपने हाथ से अपनी झाड़ू को देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी झाड़ू को किसी के हाथ में देंगे तो ये मान लो कि अपने घर की लक्ष्मी चली जाती है। तो इस प्रकार से हमें अपनी पुरानी झाड़ू को नहीं देना चाहिए, वहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। अब वो पीछे से क्या करते हैं आपके, कि उस झाड़ू को फेंकते हैं, यूज करते हैं, तो आपको तो पता नहीं होगा ना क्या कर रहे हैं। परंतु अगर आप हाथ से देंगे वो झाड़ू, तो आपको पता होगा कि हमने उनको झाड़ू दिया है और वो झाड़ रही हैं। तो चलिए, ये तो हो गई पुरानी झाड़ू के लिए। तो नई झाड़ू खरीदने का मुहूर्त आता है दोस्तों, धनतेरस आती है, दीपावली आती है, तो उसमें हमको नई झाड़ू खरीदना चाहिए। बीच में अगर खरीदते हैं तो उसका उतना महत्व नहीं रहता है, परंतु पूरे देश में जब धनतेरस पड़ती है, दीपावली आती है, तो उस दिन नई झाड़ू खरीदने का बहुत महत्व रहता है। चलिए मैं उसके बारे में भी बताती हूँ। तो उस दिन नई झाड़ू की हम पूजा करते हैं और लक्ष्मी स्वरूप उसको माना जाता है। और धोखे से भी अगर झाड़ू में अपने पैर से लग जाए तो कभी पैर से हटाना नहीं चाहिए झाड़ू को, पैर पड़ लेना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में ही लक्ष्मी होती है। हम महिलाएं अगर हम थोड़ा सा नियम करके अगर काम करती हैं और इस तरह से अगर हमारे घर में हम नियम बनाकर काम करती हैं, तो हमारे घर में बरकत आनी ही आनी है। क्योंकि अगर हम किसी गलत चीज़ को बढ़ावा देंगे तो हमारे घर में गलत काम ही होगा, और अगर हम अच्छे काम का बढ़ावा देंगे तो हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। इस तरह से छोटी छोटी बातों का नोक झोंक से भी थोड़ा सा हमें इग्नोर करना चाहिए, और अगर जो भी गलती होती है तो उसको हम तुरंत उस समय टोक देना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, तो हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। तो अब मैं झाड़ू का कूड़ा कैसे निकालते हैं और घर के बाहर किस दिशा में निकालते हैं उसके बारे में बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें दक्षिण दिशा की तरफ झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ बहुत नेगेटिविटी रहती है, और दक्षिण दिशा की तरफ अगर झाड़ू लगाते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ अगर हमारा आईना रहता है, हमारा श्रृंगार का सामान रहता है, हमारी अलमारी रहती हैं, हमारे कोई भी चीज़ रहते हैं, तो दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को अशुभ माना गया है ना, सभी लोग जानते हैं। तो घर की महिलाओं को दोस्तों ये सभी चीज़ों की जानकारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सुबह उठे अपने कहीं भी झाड़ के कचरा लगा दिए, कहीं भी डाल दिए, कहीं भी होके अपने तैयार हो रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में, हमारी बरकत में और हमारे रहन सहन में, हमारे घर के वातावरण में और हमारे परिवार के व्यवहार में बहुत ज़्यादा फर्क होता है दोस्तों। घर के किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो दक्षिण दिशा की तरफ ही सिर करके सुलाते हैं, उस दिशा को अशुभ माना जाता है। फोटो रख रहे हैं तो दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए, और नहीं रख रहे हैं तो वो हमारे सिर्फ भगवान के बराबर तुल्य हो जाते हैं, चाहे माता पिता हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे कोई भी सदस्य हो घर के, वो तो उनकी हम
तुलना नहीं कर सकते जो वो हमारे सामने थे। तो दोस्तों मैं झाड़ू लगाने के नियम के बारे में बता रही हूँ, तो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ न झाड़ें, झाड़ू को हमेशा झाड़ करके मेन दरवाजे में कचड़े को लाएं, मेन दरवाजे से कचड़े को बाहर डायरेक्ट झाड़ू से ना निकालें, तुरंत उसको अपने डस्टबिन में डालने के लिए अपने रूम के बाहर एक डस्टबिन रखें छोटा सा और उसमें डालें, फिर इकट्ठा जाकर उसको फेंक कर आ जाएं। इस प्रकार से रूम के अंदर जो झाड़ा हुआ कचड़ा रहता है ना, उसको अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपने घर के अंदर की जो निगेटिविटी रहती हम बाहर कर रहे हैं और फिर उसको अंदर रख लेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा झाड़ने का। तो मैं थोड़ा सा झाड़ कर दिखा रही हूँ दोस्तों आप लोगों को। तो दोस्तों ये हमारा ये दरवाजे के मेन गेट का कचरा है, तो इसको हम सीधे ऐसे बाहर नहीं ले जाना है, इसको सीधे बाहर नहीं ले जाना है और यहीं पर हमको कचरे को पूरा कचरे को उठा लेना है। और एक आप चाहे बोरी या कुछ भी चीज़ या कागज वगैरह रख करके इस प्रकार से इसको यहीं बंद करके रख दें और फिर इसमें इसको बाहर ले जाएं, क्योंकि डायरेक्ट इस प्रकार से कचरे को नहीं ले जाना है कि गेट के इस तरफ भी यहीं पर ये देखिए हमने यहीं पर इस यहाँ भी पूरा लगा रखा है। ये देखिए ये हमारा बाहर का एरिया है, तो बाहर के एरिया का कचरा हमको बाहर ही उठाना है। अब इसको ले जाकर के डस्टबिन में डाल। तो दोस्तों मैं झाड़ू लगाने के नियम के बारे में बता रही हूँ कि हम पूरे रूम की झाड़ू लगाएं और डस्टबिन में वहीं पर उठा लें कचरा, उसको डायरेक्ट झाड़ू से बाहर ना करें, क्योंकि डायरेक्ट झाड़ू से बाहर करने से ये भी अशुभ माना जाता है। आप पुराने बूढ़े से सुनिएगा कि बोलते हैं कि झाड़ू लगा कर के सीधे बाहर तक नहीं जाना चाहिए, आपको पता है ना। बाहर तक झाड़ू लगाने से कब करते हैं, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब पूरे घर से अंदर से बाहर तक झाड़ू जाती, तो नहीं हमको ऐसा नहीं करना है। हमारे घर को सुरक्षित रखना है, हमारे लोगों को सुरक्षित रखना है और हमारी गरीबी को भी दूर करना है, तो झाड़ू को मेन गेट से उठाएं और बाकायदा बाहर डस्टबिन में ले जा के डालें और फिर घर का पूरा कचरा इकट्ठा करके उसमें डस्टबिन में डाल दें। अगर डेली आप फेंकने नहीं जा सकते तो एक दो दिन के बाद आप फेंकने जाएं। इस प्रकार से झाड़ू लगाने का नियम है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा और छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।